दुनिया में कई ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं जो खुद ब खुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल का दर्स मिलता है। ऐसे ही वाकयात में एक तकसीम हिंद में मुसलमानों की हिजरत है। सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने वाले पलक झपकते ही जान के दुश्मन बन गए। तकसीम हिंद दास्तानों की ऐसी किताब है जिसका हर सफ़ा खून के आंसू रुलाता है। घर छुटे, जायदादें लुटी, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। हिजरत से जुड़ी इन्हीं कहानियों में से एक कहानी अफजाल अहमद खान साहब की भी है, जो करनाल से हिजरत करके लाहौर पहुंचे। मेरा नाम अफजाल अहमद खान है। मेरा ताल्लुक शेरवानी पठान फैमिली से है। मेरी जाय पैदाइश शाहबाद, कस्बा शाहबाद, तहसील थानेसर, जिला करनाल है। हमारे कस्बे में ज़्यादातर जो है मुसलमान ही आबाद थे, चूँकि शाहबुद्दीन गौरी ने यह कस्बा आबाद किया था। उसके हिसाब से हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनको ज़मीनें अलाट हुई, वह ज़मींदार थे या फ़ौज में पुलिस में भर्ती वो मुलाजिम थे, तो ज़्यादातर अक्सर हमारे शाहबाद में थी। मेरी पैदाइश तकरीबन 1941 में हुई उस वक्त, और उसके बाद शाहबाद बड़ा छोटा सा कस्बा था और तजारती मंडी थी, वहाँ पर बाकायदा कारोबार था। तो मैंने तकरीबन 1945 में कुरान पाक का जो है पढ़ना शुरू किया। मैं मस्जिद में जाता था और मैंने तकरीबन वहाँ पर आधा से पारा हिफ़्ज़ किया। हमारे घर के साथ ही जब स्टेशन से आते थे तो रास्ते में लारी उठाता था, और वो तकरीबन यूटी रोड पे वाक़ था। यूटी रोड को गिरा जब करते थे तो बाईं तरफ मस्जिद थी और मुस्लिम हाई स्कूल था। गालिबन वो हाई स्कूल अब बनाया, पहले मुस्लिम मिडिल स्कूल था। उससे साथ ही बहुत बड़ा प्लाट था बाद में हमारे घर थे। हमने नए मकान बनाए थे, पहले हम अंदरूनी शहर रहते थे, बाद में हमने तकरीबन 45 में ये मकान बनाए थे। तो जब बच्चों की छुट्टी होती थी तो वो नारे लगाते थे, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद। तो उससे हमें अंदाज़ा होता था और हमारे बुजुर्ग बताते थे कि पाकिस्तान की तहरीक चल रही है, हमारे मुसलमानों का मुतालबा है कि हमें अपना एक अलग मुल्क दिया जाए जिसमें हम अल्लाह की अपनी इबादत कर सकें, अपने दीन की खिदमत कर सकें, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान में अक्सर हिंदुओं की थी और हम उनके ज़ेर असर ही रहते थे। लेकिन भारत गो अगर हमारे गाँव में हमारी अक्सरियत थी, लेकिन फिर भी ओवरऑल इंडिया में हिंदुओं की अक्सरियत थी और कारोबार उन लोगों के पास ही था, तो हम लोग परेशान ही रहते थे। अल्लाह ताला का करम हुआ, कायद आज़म रहम, उस वक्त कायद आज़म मरहूम और लियाकत अली खां की लीडरशिप में जाना हमारे दो ही नाम याद थे, क्योंकि कायद आज़म तो हम नाम पे कायद आज़म रहनुमाई फरमा रहे हैं, और भी बुजुर्गानों के हमें उनका नहीं मालूम। बाद में पता चला कि बहुत से बुज़ुर्गों ने उसमें हमारे साथ दिया। बाल तहरीक बड़े ज़ोरों पर थी। रमजान शरीफ तक तो बड़ा पुरअमन रहा। रमजान शरीफ के बाद फिर ये कन्फर्म हो गया कि पाकिस्तान बन गया है, और ये फैसला हुआ है कि हमारे जो शहर है, मुल्क है या हमारा इलाका जो है, ये पाकिस्तान में शामिल नहीं है। उस पर हमारे बुज़ुर्गों ने मजलिस की अपना मशावरत की, और मैं समझता हूँ उनका बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया कि हमें पाकिस्तान जाना चाहिए। कुछ लोगों ने मुखालफत भी की कि हम यहीं रहेंगे, हमारे यहाँ जदादे हैं, ज़मीनें हैं और हमारा कारोबार है, लेकिन हमारे अक्सर बुज़ुर्गों ने कहा कि नहीं, हमने पाकिस्तान जाना है क्योंकि हम अपने मुल्क में जाके आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा फैसला था, क्योंकि जो लोग वहाँ रह गए हैं, बाद में हमें जो पता चला है कि वो लोग बहुत परेशान रहे हमेशा और हमेशा अब तक परेशान है। तो ये बड़ा अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारे बुज़ुर्गों की रहनुमाई फरमाई और उन्हें सही फैसला फरमाया। तो चुनाचे ये था कि दूसरी बात ये था कि वहाँ पर इस पाकिस्तान बनने के बाद जाने जब ऐलान हो गया तो सिखों हिंदू ने हमारे शहर के तो नहीं, अलबत्त जो मुजाफात के थे उन्होंने हमले शुरू कर दिए थे। तो उस वक़्त जो थानेदार था हमारा, SHO था, वो हमारे बुजुर्ग थे दादा बाबा खान साहब,
इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रहे हैं, उनका वो मातहत रह चुका था उसकी वजह से, और कुछ अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाल दिया था, तो वो हमें आके पेशगी बता देता था अपने सीआईडी के थ्रू कि ब्याज फलाने गांव की तरफ से बलवाई आ रहे हैं, आप ज़रा एहतियात करें। तो हमने ये फैसला किया बुज़ुर्गों ने कि हम स्कैटर्ड के बजाय एक मोहल्ले में मतलब इकट्ठे हो जाए ताकि एक जगह पर रहें। हमने अपने मसनू आधार बनाए हुए थे, मसलन जैसे कि लाठियों के साथ छुटियाँ लगा ली, बल्ले बना लिए वगैरह वगैरह, और कुछ हमारे जो बुज़ुर्ग थे बताते हैं हमने, उन्होंने वो कुछ तेज़ाब की बोतलें बनाई हुई थी, कुछ ऐसे बारूद के छोटे छोटे पटाखे बनाए हुए थे खौफज़दा करने के लिए। हमारा इंतज़ाम ये था कि अगर खुदा ना खास्ता हमला हुआ, हम अपना डिफेंस करेंगे, हमारे नौजवान बाहर आएंगे, औरतों को उनको बताया गया था कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर आपने हिफाजत कर लिया, औरतों की हिफाजत के लिए हमने ऊपर छतों पे राख और वो अपना और मिर्ची मिला के रखी हुई थी, वट्टे रखे हुए थे कि अभी आपने मुकाबला करना है, अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से हम मुकाबले में ज़ेराब हो जाते हैं तो फिर आपने अपनी असमत बचा ली है, ज़िंदगी नहीं बचा ली है। तकरीबन हर घर में कुएँ होते थे, हमारे घर में भी एक कुआ था, उनको ये हिदायत थी अगर ऐसा वक्त आ गया कि हम शहीद हो जाएँ या मर जाएँ और आपका कोई वाली वर्ष ना हो तो फिर आपने कुएँ पर आ जाना है, अपनी इज्जत को बचा ली है। तो मुझे याद है ईद की नमाज़ हमने पढ़ी सुबह 8 बजे, और उसके बाद से चूँकि मैंने बताया पहले भी कि हमारे कुछ बुज़ुर्ग थे, मुलाज़मीन थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने इंडिया के, जिसमें वो फेडरल गवर्नमेंट में थे, मरकज़ी गवर्नमेंट में, सूबाई गवर्नमेंट में, बेखुद एक चचा एक्साइज में मुलाजिम थे, और कुछ हजरत तालीम में थे, फ़ौज में थे। तो अल्लाह ने करम किया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें एक ट्रक भेज दिया कि हम मिल्ट्री के साथ हम आएँ, तो वो ट्रक तकरीबन आ गया था। इससे पहले भी चूँकि हमारा जाने का प्रोग्राम था, तो हमारे वालदैन ने बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया। उस वक़्त उस ज़माने में हमारी मकई की बड़ी फसल थी, बहुत फसल हुई हमारी। तो जब कर्फ्यू लगने शुरू हो गए थे, कर्फ्यू के ख़त्म जब होते थे तो मेरे वालिद साहब, मेरे चचा अब्दुल सत्तार खान, मेरे वालिद साहब महमूद अहमद खान और दीगर जो ज़िम्मेदार थे वो बाहर जाते थे और वहाँ से मकई के फसल काट के ले आते थे। तो उस वक्त छलियाँ होती थी उसमें, तो हम घरों में छलियाँ अलहदा कर लेते थे और घास के पुलियाँ बनाते थे, और वो पुलियाँ जाना फिर अगले दिन जाना अब्बा जी हम जाल में खड़े होकर 2 अने 4 अने पुलिये जिनके जानवर थे उनके हाथ फरोख्त कर देते थे, और वो फिर इस तरीके से उनका भी फ़ायदा होता था और हमें भी पैसे मिल जाते थे। लेकिन हमने जो छलियाँ वहाँ से हम निकालते थे ना, तमाम रात बैठ के हम व्रत करते थे कलाम पाक का और अपने दुरूद पाक का, और इस तरह से महफिलें लगती थी, आधे लोग सोते थे आधे जागते थे। हम बच्चे थे, हमें तो उस कलमे के अलावा ज़्यादा नहीं था, पर एक चीज़ याद थी कि जल्ले जलाल हो आई बुला को टाल तो, हम ही पढ़ते थे। तो हम छलियाँ निकालते थे, दाने अलहदा करते थे। उन दिनों में जो आसपास की बस्तियों थे उनके काफ़िले आने शुरू हो गए थे, जिन्हें वो फिर हमारे शहर के, चूँकि घर हमारा शहर से बाहर था, स्टेशन का नज़दीक था, तो काफ़िले वाले आप वहाँ पड़ाव डालते थे। मेरे चचा बंदू खान अल्लाह ताला उनके मसर रमाए, तो वो बोरी भर के जाना अनाज की इनकी छलियों की दानों की वहाँ घेर आते थे। ये हमारा मामूल था कि हमने एक बोरी जाना अनाज की जाना दानों की या छलियों की वहाँ उनको पहुँचानी है। तो उसका अल्लाह ने बड़ा करम किया और बड़ी रहमत हुई हम पर, अल्लाह ने बड़ा आज़र दिया। उस ज़माने में हमारे पास थोड़े से पैसे भी इकट्ठे हो गए, तो मेरी दादी बहुत समझदार थी, अनपढ़ थी लेकिन बहुत समझदार थी। हमने बंदोबस्त किया था दादी ने कि अगर ये हिजरत की हमने तो खाने पीने के, उन्होंने पंजीरी बनाई हुई थी, पंजीरी और गुड़ के मतलब दाने वो मरौंडे जिसे कहते हैं वो बनाए हुए थे, ऐसी चीज़ें बनाई हुई थी। और उन्होंने ऐसे किया कि कुछ रकम जाना हर बच्चे के तावीज़ बना के गले में बाजू में पेट पे ऐसे बांधे हुए थे ताकि अगर वक्त वहाँ पाकिस्तान पहुँचेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ये हमारे काम आएंगे। और अल्लाह का बड़ा करम हुआ, सवार हुए ट्रक में, हमारा ट्रक चला। हमें इतना हौसले शाम से के टाइम कोई मगरिब के बाद इशा से दरमियान, तो वालिद साहब ने ये किया जो हमारे उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि काश्तकारी थी, हमारे 2-3 भैंसें थीं गाय और हमारे बैल थे, तो वालिद साहब ने उनको एक दिन ले जाकर आने से 2-3 दिन पहले हम जंगल में जहाँ हमारे खेत थे वहाँ छोड़ आए थे ताकि इनके खुराक का अपना करें, और उनको बल्कि ज़बरदस्ती कुछ जानवर जो कटी थी आ रही थी अब बजरे ने छिछकेर कर का दूरी रखा उनको और उनको आने नहीं दिया और हम आ गए। तो इस तरह से हमने अपना मकान खाली किया
और अल्लाह का शुक्र है जो ज़रूरी सामान था वो हमने बांधा, बाकी हमने वही रहने दिया। हमारे बड़ा खुशहाल घराना था हमारा, अनाज की कमी ने बहुत बहुत अल्लाह ने दिया था। तो हम ट्रक में बैठे आए और जनाब अली रात को तकरीबन कोई मगरिब और इशा के दरमियान में हम लुधियाना, पता चला लुधियाना का शहर है, हम शहर के दरमियान से गुजरे तो वहाँ पर हमने बिजली देखी, बल्ब जल रहे थे, दुकानें खुली हुई थी, लेकिन वो हमें देख कर कोई शोर शराबा हुआ। पता ये चला कि हमसे पहले जो ट्रक आया था वो एक बंदा उनका था ना, वो वहाँ पर कुचल गया या ज़ख्मी हो गया था, ये पता कि बंदा ट्रक के नीचे आ गया था। तो उन्होंने हमारा ट्रक रोक लिया, दुकानें बंद हो रही थी, कुछ लोग भाग रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे, तो हम लोग भी परेशान हो गए। सब ने यही कहा भी कलमा शरीफ पढ़ो, हो सकता है हमला हो जाए, हम शहीद हो जाए, अल्लाह से दुआएं करो। तो सब लोग जहाँ कलमा शरीफ दुरूद शरीफ जो भी इसके पास आता था, तकरीबन कोई 15-20 मिनट हमारा वहाँ वो ठहरा। बाद में हमारी आर्मी आ गई, फिर उनके कहा नहीं चलो, फिर हमारा रास्ता साफ करा के हम चले। रात को तकरीबन मतलब हमारा जो पहला पड़ाव हुआ वो जालिंदर हुआ, जालिंदर के मुजाफात में एक मैदान में हमारा वहाँ पड़ाव हुआ, और वहाँ पर कहा भी यहाँ क़याम करें रात को, सुबह इन शाला फिर चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास खाने के लिए पंजीरी भी थी, चने भी थे, गुड़ भी था, तो हमने सब खाया, सो गए। हल्की हल्की सर्दी थी, कपड़े भी थे, थोड़े बहुत चादरें ली हमने, तो बाहर बड़े महफूज रहे हम। अगले दिन सुबह को फिर हम चल पड़े। हमारी फ़ौज ने हमारा साथ दिया और हमारा पहरा दिया, बड़ी हिफाजत की हमारी। सुबह के टाइम फिर हम हसब मामूल चल पड़े। तो इस सफ़र में मुझे याद है कि तकरीबन कोई असर से पहले का टाइम था, हमारा ट्रक गुजर रहा था, एक बच्चा लड़का 17-18 साल का था या 16-17 साल का था, वो एक झाड़ी से भागा और आके हमारे ट्रक पर रस्सा पकड़ कर लटक गया। तो लोगों ने कहा भी हिंदू सीखना हो, उन्होंने कहा जी मैं कलमा पढ़ा, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, मुझे बचा लो, यहाँ पर मेरे वालदैन शहीद हो गया। तो बुजुर्ग ने कहा ठीक है यार। फिर थोड़ी देर जाकर उन्होंने फिर उनका वैसा कहीं जगह मुनासिब जगह देख कर ट्रक को रोका, उसको उतारा, उसका इंटरव्यू लिया, उससे पूछे उसके अबाजदाद के बारे में। उसने कहा जी मेरे वालदैन शहीद हो गए हैं, मैं यहाँ छुपा बैठा हूँ, कल से आप जा रहे हैं पाकिस्तान, मुझे साथ ले जाए। बुजुर्गों ने फरमाया अच्छा भाई जहाँ तेरा कदम टिक सकता है टिका ले। तो वो पीछे जाना रास्ता पकड़ के जो ट्रक था वहाँ उसमें पहुँच पाए, और इस तरह से हमारा सफ़र फिर रवाना हुआ। अजय आज तकरीबन मगरिब से कुछ पहले हम गालबन दरिया ब्यास था वहाँ से गुजरे। अच्छा इस दौरान में हमें रास्ते में काफिले मिले जो कि पैदल आ रहे थे, बच्चों ने खवातीन ने बच्चे अपने तस्लों में टोकरों में डाले हुए थे, बुज़ुर्ग जो थे वो चल रहे थे, कोई गड्ढों पर बैठे हुए थे और कोई जगह नहीं मिली और गड्ढे के उस पर ही बैठे हुए थे, और वो लोग थे बस वो कहते थे कि हमारे लिए भी दुआ करो, अल्लाह करे हम भी पाकिस्तान पहुँच जाए, हमारे लिए दुआ करो। सब यही कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मदद करे आपकी, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे सिवाय दुआ के, हम दुआ करते थे। तो जब वो दरिया गालबन ब्यास था तो वो दरिया को देखा तो देखा उसका पुल टूटा हुआ था और गालबन वहाँ कोई लाशें पड़ी हुई थी। तो बुज़ुर्गों ने फैसला किया कि पुल से तो गुजरना मुश्किल है, अल्लाह का नाम लेकर दरिया से गुजर जाते हैं, या इससे पहले भी कोई गुजरे होंगे ट्रक, तो हमने भी अल्लाह का नाम लेकर ट्रक को दरिया में डाल दिया और वहाँ दरिया को फिर हमने अबूर किया। अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हम वहाँ पहुँच गए। और जब हम यानी बॉर्डर पर पहुँचे तो मगरिब का टाइम तकरीबन हो चुका था, दूर से हमने झंडा देखा पाकिस्तान का, दूर से नजर आया, ओहो लोगों ने कहा जी वो पाकिस्तान, तो लोगों ने नारे लगाने शुरू किए, मना किया नहीं नहीं अभी हम कफ्रिस्तान में हैं, पाकिस्तान उस झंडे के बाद शुरू होगा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एहसान फरमाया, मगरिब के टाइम हम पाकिस्तान के बॉर्डर को हमने देखा, चौकी पर देखा तो झंडा था, हमें ऐसे लगा जैसे हम अपनी माँ की गोद में आ गए, हमें बड़ा सुकून मिला, हर एक ने अपने जाना सजदा शुक्र अदा किया, बैठे बैठे मुबारकबाद दी, कलमा शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला का शुक्र गुजारा है। और फिर तो ये था कि बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी हुई, हम सब कुछ भूल गए कि हमारा पीछे क्या था, हमें ये था कि हम अपने मुल्क में आ गए हैं, हम पाकिस्तान में आ गए, हम अमेरिका के बारे में आ गए हैं, हमारी यहाँ पर हिफाजत हो गई,
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के लोगल भाइयों ने हमारा बड़ा साथ दिया। हमें याद है मुझे कि जब हमारा ये काफिला पहुँचा तो उन्होंने बाद में पता चला भारत बिल्डिंग में हमारा क़याम किया। उन्होंने भारत बिल्डिंग बाद में पता चला कि न्यू हॉस्पिटल के सामने भारत बिल्डिंग थी, चूँकि मैं पढ़ता था तो वह वापटा का दफ्तर था, वो देखा मैंने भारत बिल्डिंग में क़याम था। बाद में फिर हमें अनारकली पुरानी अनारकली में एक दो तीन मंजिला मकान था, वो हमें दे दिया गया टेम्पररी तौर पर। हमारे तीन चार खानदान वहाँ पर रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चूँकि पैसे थे हमें कोई परेशानी नहीं हुई। और एक मेरे चचा सरदार मोहम्मद खान सरदार खान वो कस्टम में मुलाजिम थे तो चुनाचे उनको वहाँ पर जॉब मिल गई तो वहाँ पर रहे हम ऐसे तकरीबन 15-20 दिन या महीना रहे वहाँ पर। तो हमारे एक रिश्तेदार थे जमशेद अहमद खान पुलिस में, तो वो मेरे वालिद साहब के पास आए। अच्छा हमारा ये था, पहले बताता चलूँ कि पार्टीशन से पहले हमारे दो तीन बुज़ुर्ग पाकिस्तान में ट्रांसफ़र होकर आ गए थे, तो मुशावरत ये हुई लाहौर में कि अभी हमने मुल्तान जाना है। असरसे के टाइम हम यहाँ मुल्तान आए, मुल्तान स्टेशन से फिर वो पता चला था, मालूमात उन्होंने ली थी कि मेलसी से एक बस जाती है मेलसी को, तो हम चूँकि मेलसी के प्रोग्राम था हमारा तो हम मेलसी चले गए। मेलसी में हमें अल्हम्दुलिल्लाह ने बड़ा अच्छा मकान दे दिया, वो भी हम तलाश करते थे घर में कोई मकान खाली है, तो एक मकान हमारा देखा हमने, हम जो छोटे थे अपना सामान छोटे छोटे ला के हमने वो मकान पर कब्ज़ा कर लिया और मकान में हम आबाद हो गए। बाद में वो मकान हमें अलाट नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी मेरी तालीम जो है मेलसी में शुरू हुई, अल्लाह ने सबब बनाया, फिर मुझे लाहौर में इस्लामिया कॉलेज रेल रोड में दाखिला मिला, मैंने वहाँ से इंटर किया। और उसके बाद मेरे हमसाए थे, मैं राम गली लाहौर में रहता था, तो उन वो मेरा प्रोग्राम ही था कि मैं बीए करूँगा, तो वो वापड़ा में मुलाजिम थे, मुझसे एक दिन कहने लगे भाई अफजाल क्या प्रोग्राम आपका, कि मैंने कहा मैं बीए करूँगा। उन्होंने कहा छोड़ो यार बीए में क्या रखा है, आप ऐसा करें टेक्निकल कोर्स है ये उवर शेरी का, ये 3 साल का डिप्लोमा करें आप और उसके बाद मैं आपको वापड़ा में लाइन स्टूडेंट भर्ती करा दूँगा। स्टूडेंट इंजीनियर जो था उसको इख्तियार थे कि वो ओवरसियर या लाइन स्टूडेंट के अपॉइंटमेंट कर सकता था, तो चुनाचे मेरा गवर्नमेंट कॉलेज जो था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लाहौर रेलवे स्टेशन के नज़दीक था, तो मुझे दाखिला मेरे अच्छे नंबर थे मैंने किया, वहाँ मेरा दाखिला हो गया। और फिर मैंने जनाब अली वहाँ से किया, 65 में मैंने क्वालिफाई किया और 65 की वॉर जो है वो मैंने देखी, मैं वहीं पर लाहौर में था और स्टेशन के पास मेरा था, तो मैं तकरीबन 6 सितंबर को ऐसे में बाज़ार गया तो बाज़ार में वहाँ पर दूध दी जो है ना दूध लेकर जो देहातों से आते हैं वो आके उन्होंने बताया अभी हमला हो गया बॉर्डर पे और वहाँ जनाब अली बड़ा हमारी आर्मी भी पहुँची हुई है और इंडिया की आर्मी पहुँची है, तब अंदाज़ा हुआ कि अभी हमला इंडिया ने कर दिया है 6 सितंबर को। खैर बाद में फिर वो हमें हमारे मेरे हमसाए थे उनके पास रेडियो था, फिर उसे पता चला कि वो जनाब अली हमला हो गया और फिर अयूब खान मरहूम ने फिर वो तकरीर की जो बड़ी यादगार तकरीर थी और उसके बाद हम देखा। तो मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, चूँकि हालात ऐसे बन गए थे 65 में ये था कि हमला हो सकता है, क्योंकि खेम करण में कश्मीर में हमारी फौजें काम कर रही थी। तो तकरीबन 7 सितंबर का ये वाक़या है कि रेडियो पाकिस्तान ने ऐलान किया कि भाई कुछ दुश्मन ने छाता बरदार फौजें उतारी हैं, आपके पास जो कुछ भी है असला है बाहर है, आप बाहर निकलें और अपने डिफेंस करें अपने पहरा दें। उस वक़्त हमारी एक तंजीम थी रज़ाकार पुलिस थी हमारी, वो भी आ गए थे, उसे हमें बताते थे भी अब ये कर्फ्यू लगेगा तो ऐसे ही होगा, अपने बत्तियाँ जलानी हैं घरों में, रोशनी पैदा करनी है और हमने जो है ना इसका एहतमाम करना है, रोशनदानों पे हमने कागज़ चढ़ा दिए थे इसके ऊपर तभी ऐसा ना हो। तो खैर अब 7 सितंबर को हम सब जितने भी लोग थे सब बाहर, मैं भी नौजवान था 18 साल 19 बीस उम्र थी, हम गलियों में आ गए थे। तो ये वार जो थी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखी, मैं कोई खौफ नहीं था ख़तर नहीं था। और फिर जब जो वार हुई आपकी मरहूम अल्लाह ताला मकसद हमारे हमारे जो हीरो है एमएम आलम, क्या बात है रहमतुल्लाह अलैह, मैं उसे रहमतुल्लाह अलैह कहूँगा। एमएम आलम को मैंने बाद में भी मिला हूँ मैं उनको, एयरपोर्ट पर मेरी मुलाकात हुई है उनके, मैंने बारे में पढ़ा है, उसने कश्मीर के जहाद में भी बड़ा हिस्सा लिया एमएम आलम ने। तो वो जो है ना अब वो फाइटर आ रहे हैं और लड़ रहे हैं और लोग छतों में चढ़े हुए हैं,
तो फौज में कोई खौफ नहीं था, खतरे नहीं था, अरे वो मारा वो मारा वो मारा वो था। ऐसे वो जनाब उसने एक मिनट में 5-6 जहाज गिरा दिए, ये बड़ा उसका है। एक जहाज देखने के लिए हम भी गए शालामार से, उस तरफ एक जहाज वो गिरा हुआ था, उसको देख कर हम आए। तो मतलब ये फिर बाद में जो है तो मेरे बाद कुछ थोड़ा सा सितारा के बाद थोड़ी सी वो सीज़ फायर हो गया था, तो मेरे वालदे ने कहा मेलसी आ जाएँ, तो फिर मेलसी वापस चला गया। तो भाई मैं नौजवानों से कहूँगा तहरीक पाकिस्तान के वक्त के कुतुब को पढ़ें, उनके हालात को पढ़ें, अपने शनास हों ताकि पता चले पाकिस्तान में कितनी कुर्बानी की है, इसकी कदर करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाहर के ममालिक में भी रहा हूँ, लेकिन मैंने जो देखा जो अल्लाह तबारक तआला ने नेमत हमें पाकिस्तान में दी है वो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ तमाम मौसम हैं, चारों मौसम हैं, गर्मी है, सर्दी है, बहार है, बरसात है, ये सब नेमते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ है, दरिया है, हमारे यहाँ ज़खीरे हैं, ये सब कुछ अल्लाह के नेमते हैं। और आइए हमारे लिए है भाई अल्लाह के साथ जो है ना ताल्लुक़ रखो और पाकिस्तान की कदर करो। ये मुल्क ऐसे नहीं मिलते, हमने सैकड़ों साल के बाद फरमाते ना कि अल्लामा इक़बाल का शेर है, हज़ारों साल नर्स अपनी बे नूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है सब में दीदावर पैदा। तो ये तो भाई हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला ने हमारी परवरिश जो है वो मुसलमान घरों में और पाकिस्तान में हुई है। मैंने हिंदुज़म देखा है, हमने इंडिया में हिंदुओं को देखा है, बहुत जुल्म करते थे, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि वो सिख खास तौर पर बहुत जुल्म करते थे। हाँ जी, अगर एक मुसलमान जा रहा है उसके ऊपर सर पे वज़न रख देना, अपना वज़न डाल देना और उनकी चीज़ें छीन लेनी, उनके घरों को नेस्तो नाबूद कर देना। सिखों के ज़माने में बहुत जुल्म हुआ हमारे ऊपर और ये तो हुआ। अल्लाह ताला का शुक्र करें, अल्लाह ने आपको यह वतन दिया, इसकी हिफाजत करें, इसके लिए जितना भी हो सकता है इख्तलाफात को छोड़ दें, इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन कौम को बचाएं, इस मुल्क को बचाएं। हाँ जी, और इत्तेफाक़ में बरकत है, आप इत्तेफाक़ से रहेंगे अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। मैंने तो ये देखा है, मेरा मुशाहदा है कि जिस घर में बच्चे बैठ के खाना खाते हैं अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं, जिस बस्ती में लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। सब छोड़ दें आप, बस पाकिस्तान की खैर मनाएं, पाकिस्तान के जितना भी जो कर सकता है। पाकिस्तान ने सब कुछ दिया हमें, सब कुछ पाकिस्तान ने दिया, ये हमारी माँ है, इस धरती है, हमने इसका रिज़्क खाया है, हमें इसका नमक खाया है, इसका हिफाजत करना हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है। भई अपने इख्तलाफात छोड़कर जो आदमी जो कर सकता है पाकिस्तान के लिए वो करे, अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, हमने भी खिदमत की है, और अल्लाह और खिदमत का मौका दे। नौजवान नस्ल से है कि भई खूब दिल लगा कर पढ़ो, काम करो, मेहनत करो, जो जो काम जो कर रहा है वो दयानतदारी से काम करे। चूँकि हम एक मजमून पढ़ते थे बचपन में कि ऑनेस्टी दी बेस्ट पॉलिसी, तो दयानतदारी बहुत बड़ा काम है। दयानतदारी से जो काम किया जाता है उसमें अल्लाह की बरकत शामिल हो जाती है, अल्लाह की रहमत शामिल हो जाती है। मेरा तजर्बा है जितने भी अफसरान, ये जितने भी काम करने वाले दयानतदारी से काम करते हैं, चाहे वो कारीगर हैं, कारोबारी कर रहे हैं, हमने देखा उनके रिज़्क में बरकतें होती हैं, रहमतें नाजिल होती हैं। कभी दयानतदारी से काम करें, अल्लाह ताला थोड़े में बरकत अता फरमाते हैं।